दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 ऐसी खोज लेकर आया हूँ जिनसे हम आज तक अनजान थे। जब आप भी इनके बारे में जानोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। टेलेस विप स्कॉर्पियन। इस स्कॉर्पियन को हाइब्रिड स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने आप में ही काफी डरावनी प्रजाति है, जो अपने चारों पैर को चलने के काम में लेता है। वही इसके आगे के दो पैर स्कॉर्पियन के जैसे अटैक करने का काम करते हैं। वैसे तो ये जहरीले नहीं होते और वो किसी पर अटैक भी नहीं करते, लेकिन जब इन्हें छेड़ा जाता है तो ये अटैक करने से पीछे भी नहीं हटते। जेलीफिश सिम्बोइड। वेनम मूवी में दिखने वाला ये क्रिएचर क्या असलियत में मौजूद है, जिसको एक आदमी के द्वारा तब देखा गया जब वो बीच पर टहल रहा था। तभी अचानक एक क्रेब को इस क्रिएचर के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो वहां से भाग ना पाए, इसके लिए वो उसे पूरी तरह से दबोच लेता है। आइस ऑफ स्कॉर्पियन। इस क्रिएचर को समुद्र के सबसे क्रिपेस्ट क्रिएचर में से एक माना जाता है, जिसके स्केलेप्स में मौजूद एक आई से इन पर आने वाले किसी भी तरह के हमले से पहले ही ये आगाह कर देती है, यहाँ तक कि इनकी आंखें अंधेरे में भी अच्छे से देख सकती है। क्लेम्स। क्लेम्स को चलाने के लिए न केवल समुद्री लहरें बल्कि उनकी जीभ भी काफी ज्यादा मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्लेम्स अपनी जीभ को न केवल खाने के लिए बल्कि चलने के लिए भी काम में लेता है, और उसका शरीर थोड़ा भारी भी होता है, इसीलिए ये ज्यादातर गीली मिट्टी में ही रहना पसंद करते हैं, ताकि ये आराम से मूव हो सके। लिविंग बॉल। अगर आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो और आपका सामना एक बॉल से हो, वो भी एक ऐसी बॉल जिसको आप पहली बार देखें, जो देखते ही देखते आर्मेडिल्लो में बदल जाती है। जी हाँ, वो कोई बॉल नहीं बल्कि एक आर्मेडिल्लो था, जो जब भी डर जाता है या फिर डिफेंसिव मोड में चला जाता है तो वो अपने शरीर को इस शेप में बदल देता है। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर।